मैं एक नर हूँ, जैसे कि एक मादा की तलाश है। और सॉरी, मैं थोड़ा सा एनिमल प्लैनेट में घुस गया, मगर कहना ये चाहता था कि मैं वो प्राणी हूँ जो कि अभी अभी मॉर्टिन नाम के एक प्राणी को झेल के आ रहा है। जी हाँ, मॉर्टिन पिक्चर का नाम कुछ ऐसा ही आता है, क्योंकि डायरेक्टली पिक्चर का नाम लेने से डायरेक्ट स्ट्राइक मारा जा रहा है। कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स के रिव्यू वीडियोस ऑलरेडी उड़ चुके हैं, तो इसलिए मॉर्टिन ही सही, लेकिन रिव्यू तो जरूर करेंगे, कम्युनिटी की इज्जत की बात है। तो वो पिक्चर जिसमें कि बड़े बड़े चीजें दिखाकर फिर भी पिक्चर को हिंदुइज्म के नाम पे बेचा जा रहा है। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। दूसरी बात, इस पिक्चर के मेकर्स के पास वो सब कुछ था, टैलेंट, स्किल्स और एक्सपीरियंस। और सबसे बड़ा चीज जो था वो था बेशुमार पैसा। सॉरी भूल गया, इको करना था, पैसा पैसा पैसा। लेकिन फिर भी मेकर्स ने पिक्चर बनाया बवासल जैसा 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 जैसा। अब देखो यार, इस पिक्चर का एक्शन तो बहुत ही बढ़िया है, इतना बढ़िया है कि तुम भी कह दोगे यार इतना भी बढ़िया नहीं होना चाहिए था। बाकी कहानी इस पिक्चर की जितना एक्सलेंट है उतना वर्स्ट भी है, क्योंकि डायरेक्टर ने बीच में दिमाग लगाना ही छोड़ दिया। जरा सोचो, जहाँ पे पैरों के तले दो जीप को दबा दिया जाता है, वहाँ पे अगर डायरेक्टर और दिमाग लगाते तो वहाँ पे जीप नहीं, उन पैरों के नीचे हमारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लार्जर द लाइफ, ये सब तो सुना था, लेकिन इनके पिक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए एक और ही डिक्शनरी निकालना पड़ेगा। मतलब कि यार पिक्चर में ये इतना फेंकते हैं कि पिक्चर देखते वक्त मुझे ये फील हो रहा था क्या इतना चूतिया हूँ मैं, माँ मॉर्टिन। इसके अलावा पिक्चर में गोल बड़ा ही सेट था, बाकी में बहुत ही बड़ा था, जिसने देखा है वो समझ गया होगा। फाइनली ये कहूंगा कि ये पिक्चर इतना भी बुरा नहीं है, तुम इस पिक्चर को देख सकते हो, लेकिन अपने दिल और दिमाग को घर पे छोड़ के, शायद दिल को ले सकते हो, उसकी जरूरत है।